भट्टी साहब आपने सुना प्राइम मिनिस्टर का जवाब योर एनालिसिस देखें प्राइम मिनिस्टर का जवाब एक दलेरा ना जवाब था जरूरतमंदा ना जवाब था काश ये जवाब आ हमारे 20 साल पुराने हुक्मरान भी दे सकते लेकिन हमने भारत को ज़ेनी तौर पे उसके नीचे दबाव में रहे अब जो पॉलिसी हैं बहुत ज़्यादा मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ बेहतर हैं देखिए भारत जब तक मकबूजा कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो सकता आप जो मर्जी कर लें भारत से ताल्लुक नहीं आ सकते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले भी बारहा कह चुके हैं भारत में तमाम ममालिक से बराबरी के तल्ल चाहते हैं लेकिन उसके लिए मकबूजा कश्मीर का हल करना ज़रूरी होगा भारत ने हमें टेली बातों में इंगेज रखने की कोशिश की लेकिन आप थोड़ा सा महसूस करें इतमाम कि जो पोजीशन उसने 5 अगस्त दो हजार को की थी आज तक सेम वो है तो कैसे हम आगे बढ़ें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ठीक कहा है कि भाई हम तो हम साया मुल्क की तरह रहना चाहते हैं वो अभी जनरल साहब भी कह रहे थे हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कराए हमारे मुल्क में टेररिस्ट भेजे तो हम कैसे मुमकिन है कि हमारे और उसके तल्पत बेहतर रहे तजारत हो या मुलाकात हो ये मुनासिब नहीं है जब तक मकबूजा कश्मीर नहीं हल होता दूसरी तरफ मेरी तरफ से जनरल साहब को एक सवाल करें क्या जो हमारे आजकल सियासी लीडर बड़ी बदकिस्मती है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं हर एक का हम है हाँ हक है जाके इलेक्शन कैंपेन चलाना क्या ये मुनासिब है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम में जा के मकबूजा कश्मीर के लिए जो हमने कुर्बानी दी वहाँ कहना कि अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर की मर्जी भी थी कि भारत की गोद में मकबूजा कश्मीर को डाल दिया गया मुझे तो वो बयान सुन के दुख हुआ कोई पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फ़ौज के ना नामुमकिन है कि मकबूजा कश्मीर भारत की गोदी में डाल दिया जाए लेकिन ये सियासतदान पता नहीं इन्हें मुल्क मफाद भी अब अजीज़ नहीं रहा पता नहीं एक दो सीटों के लिए ये किस हद तक क्रॉस कर जाते हैं कि मुल्क वक़ार को भी मजरू करने से बाहर नहीं आते और ये जो आपने कहा है बटी साहब इसमें जल साहब से ही मैं पूछता हूँ आपने कहा सवाल पूछना जल साहब ये जो तकरीरें की हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने उसमें एक तो बार बार प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर फरोश कह रही हैं वो दूसरा वो कह रही हैं कि जी आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने जा रहे हैं लेकिन आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा लड़ेगा ऐसे जैसे किसी फॉरेन इन्वेजन के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर के बच्चे बच्चे ने लड़ना है भट्टी साहब पहले आप मुझे भी बता दें कि आपने कोई खबर सुनी है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आजाद कश्मीर को सुबह बनाने जा रही है जो मरियम नवाज साहिबा वहां पर इस पॉइंट के ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है। नहीं मेरा ख्याल है ये नामुमकिन है अगर खुदा अगर ये इस बात का वजूद ही नहीं है अगर आप उसको सुबह बना देते हैं तो यू एन ओ में आपका केस ही कमजोर हो जाएगा इसकी हकीकत से कोई गलत exactly. नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ चंद वोटों की खातर चंद वोटों की खातर सीटों की खातर यार आप मुल्क की को मजरूम कर रहे हो और कह रहे हो कि की भी मर्जी मतलब इशारा उन्होंने किसी और दफा किया दस दफा मरियम साहबा की सुने हाँ। मुझे बदकिस्मती है हमारे दारे से क्यों नहीं पूछते भाई आप किस किस वजह पे आके कह रहे हो इजा, कि हमने भारत की जोली में डाल दिया